नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। सीआईएसएफ ने संभाला जम्मू व श्रीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा। महबूबा पर पीएसए लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली हिंसा की सुनवाई पर रहे जज मुरलीधर का तबादला, कई नेताओं ने जताई नाराजगी। और जम्मू कश्मीर मनकोट के जंगल में आग का तांडव, कई लैंडमाइन हुई ब्लास्ट। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में दोनों प्रमुख हवाई अड्डों से जम्मू कश्मीर पुलिस को हटाकर सुरक्षा का जिम्मा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ को सौंप दिया गया है। अब सीआईएसएफ ही श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को देखेगी। अलबत्ता श्री माता वैष्णो देवी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा के तहत कटरा और सांझे छत हेलीपैड की सुरक्षा का जिम्मा जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही रहेगा। सीआईएसएफ को इन दोनों हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था सौंपने का फैसला पिछले साल ही ले लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को पीएसए के तहत हिरासत में रखने के खिलाफ दायर याचिका पर जम्मू कश्मीर प्रशासन से जवाब मांगा है। मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने कश्मीर में अगस्त से नजरबंद रखी गई उनकी मां पर प्रशासन द्वारा बाद में पीएसए लगा दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इल्तिजा ने कोर्ट के समक्ष उनकी मां पर लगाए गए पीएसए को रद्द करने की मांग करते हुए सरकार के आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने अदालत में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। पिछले कुछ दिनों में देश की राजधानी में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाने वाले जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला दिल्ली हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कर दिया गया है। बता दें कि बुधवार को उन्होंने इस मामले की सुनवाई गुरुवार तक यानी कि आज के लिए स्थगित कर दी थी। बाद में इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश अध्यक्षता वाली पीठ को सौंप दी गई। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आधी रात में जस्टिस मुरलीधर के तबादले से हैरानगी हुई है, सरकार न्याय का मुंह बंद कराना चाहती है। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में आग ने जमकर तांडव मचा रखा है। यह आग सीमा से सटे इलाकों के जंगल में लगी है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीम और जवानों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। वहीं आग के चलते इलाके में कई लैंडमाइन ब्लास्ट होने की भी सूचना है। हालांकि खबर लिखे जाने तक इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। भाजपा के पूर्व विधायक राजेश गुप्ता ने प्रेस क्लब जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर तीसरे प्रेमनाथ डोगरा मेमोरियल फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के बारे में विस्तार पूर्व मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 12 मार्च तक टूर्नामेंट खेला जाएगा। स्टेटों की टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी ही अच्छी, जिस तरह से पहले हमने दो टूर्नामेंट कराई, आप सबके सहयोग से, आप सभी पत्रकार बंधुओं के सहयोग से एक अच्छी टूर्नामेंट होने जा रही है। ठीक है, किन्हीं कारणवश ये उनके जन्म दिवस पर शुरू नहीं हुई, पर जे राय दुरुस्त आए वो बात है। आजाद किसान मजदूर पार्टी के चेयरमैन विजय कुमार ने आज प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया। वहां सरकार से अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरी करने की भी अपील की। 75 रुपए पर कनाल मिलेगा, लेकिन उन्हें 675 छोड़िए 6 रुपए भी नहीं तक मिले। खाली झूठा वादा किया, आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं हो, यही कहना चाहते हैं कि 675 रुपया भी जो किया अभी तक वह भी इन्हें नहीं मिले। और जल्दी से जल्दी ये जो फैसला है सरकार अगर अपील करने हैं कि जल्दी से जल्दी जरा इन्हें किसान जरा अपना जरा बैंक के लोन ले फसलें दे वो वापस करी सकन, ताकि आत्महत्या किसान ही यही यही जम्मू कश्मीर के जो नौजवान किसान अज खेती बाड़ी तह नहीं करा दे, क्योंकि जरा किसान हर फसल का जरा लाश हुआ है। खिदमत सेंटर संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में आज भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द पक्का किया जाए। इन लोगों का कहना था कि पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात भी हुई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा, मगर अब तक उन्हें लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिला है। वे अपना धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। इसी दौरान खिदमत सेंटर संचालकों ने अपनी रैली भी निकाली चाहिए, मगर पुलिस ने उन्हें रैली भी नहीं। हम लोग एक बहुत ग्रैंड इवेंट लेकर आ रहे हैं, किशोर नाइट सीजन 3 विद दीपक कुमार, जो कि किशोर ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं। किशोर नाइट लेजेंड करने आने हैं पूरे वर्ल्ड के, और उनके गाने सुन के मुझे लगता है अब सभी उनके फैंस होंगे।
हमने इसमें एंट्री बिल्कुल फ्री रखी है और इसमें को सिंगर्स हैं मैं नंदिनी कपूर एंड विशाखा भरद्वाज और इसमें हमने एंट्री बिल्कुल फ्री रखी है. आप लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं 29 फरवरी को पुलिस ऑडिटोरियम 5 PM to 7 PM. आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर. सीआईएसएफ ने संभाला जम्मू व श्रीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा. महबूबा पर पीएसए लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार से मांगा जवाब. दिल्ली हिंसा की सुनवाई पर रहे जज मुरलीधर का तबादला, कई नेताओं ने जताई नाराजगी. और जम्मू कश्मीर मनकोट के जंगल में आग का तांडव, कई लैंडमाइन हुई ब्लास्ट. बीबी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही. मुझे मीटिंग को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बीबी न्यूज लाइन. नमस्कार.